Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग आए हैं अभी तो मैं ये भी बोलूँगा कि मोस्ट अवेटेड फार्म, क्योंकि लोग हैं ना आजकल बोलने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई INA गोट फार्म पे जाओ. ये एक्चुअली में दो तीन कमेंट आ चुके हैं इसके, INA गोट फार्म पर जाओ, उनकी वीडियो बनाओ. तो आज हम लोग आए हैं भिवंडी महापोली रोड पर INA गोट फार्म पर. हमारे साथ है अफजल भाई, और अफजल भाई ने कुछ दिनों पहले मुझे कम्युनिटी स्टेटस पे कुछ रखने के लिए दिया था, कुछ 1500 रुपये पलाई इन्होंने शुरू की है, कुछ ऐसा कुछ है. ठीक है, 1500 रुपये ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे अफजल भाई से. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे अफजल भाई से कि अफजल भाई ने इस बार क्या नया कुछ लाया है इस पलाई इंडस्ट्री में, फार्म इंडस्ट्री में. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम. कैसे अफजल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा सा हम लोग है ना, मेरे को लगता है अफजल भाई आप आ गया होगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि आज हम लोग कुछ अलग तरीके से परफेक्ट है अभी. हाँ, बढ़िया बढ़िया. तो अफजल भाई क्या नया लाए हो लोगों के लिए? नवा भाई देखो, इन द सेंस कैसा है समीर भाई, पलाई का स्लॉट है. जैसे मैंने स्टार्ट ही 1500 से किया था, आपको तो मालूम ही है. तो यहाँ पर 1500 रुपीज की भी पलाई है, 2000 रुपये की भी पलाई है, 2500 की भी पलाई है. सही, मतलब हम लोग 1500, 2000 और 2500, हाँ. तीन स्लॉट में इन्होंने पलाई स्टार्ट की है. ये अभी स्टार्ट की है, ये पहले से था? पहले से तो मेरे ख्याल से नहीं था, ये लास्ट ईयर था. लेकिन लास्ट ईयर कैसा था, सिर्फ 1500 रुपये लेता था, सिर्फ 1500 लेता था. तो उससे काफ़ी लोग नाराज़ हुए. इसमें कुछ बोल नहीं सकते ना. हाँ, तो मेरे तक भी बहुत लोगों का कॉल आया, ये आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई लोगों का. मतलब ये था कि 1500 रुपये में अगर कोई फील्ड वाला नाराज़ होता है तो इट्स ओके, लेकिन कस्टमरों का तो फ़ायदा हो रहा है ना. कोई एक मिडिल क्लास वाला लड़का आदमी जो मंथली सैलरी पे काम करता है समीर भाई, उसका तो शौक तो पूरा हो जाएगा. उसका तो शौक पूरा हो. हाँ राइट. तो अभी आपने किस तरीके से, मतलब 1500 रुपये बकरों के एज वाइज रहेगा, कैसा रहेगा? एज और वेट और दांत कोई मैटर नहीं. 1500 रुपये में रहेगा ग्रीन फॉर्डर, ड्राई फॉर्डर, और शाम के टाइम रहेगा अनाज. वो अनाज भी मैं समीर भाई आपको क्लियर बता दूं, गेहूं रहेगा, सिर्फ गेहूं रहेगा. और देखूंगा मैं इंशाल्लाह कुछ अपनी तरफ से रहेगा तो उस पर. अच्छा, क्योंकि मतलब जब जानवर आता है ना, मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, स्लॉट तो अपनी जगह पे है कि आपका जानवर 1500 में है, 2000 में, 2500 में, वो उसी के हिसाब से चलेगा. लेकिन जब जानवर आता है ना तो आदमी भाई एक मुट्ठी ये भी था, डिमांड बढ़ता है. नहीं, जानवर से मोहब्बत है तो आदमी खिला देता है. वो आप अपनी बात, अब मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या देऊँगा एक्स्ट्रा वो सब नहीं. क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे अलहमदुल्ला इतने बकरे हैं, हाँ, कोई 1500 पे है, कोई 2000 पे, कोई 2500 पे. तो सबका डाइट प्लान अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अलग है. अब कभी क्या होता है, कस्टमर कोई विजिट कर रहा है, कस्टमर आके देख रहा है भाई इनको तो तुम तीनों आइटम खिला रहे हो, जौ भी खिला रहे हो, मक्का भी खिला रहे हो, गेहूँ भी खिला रहे हो, और सब चीज़ दे रहे हो, फिर मेरे बकरे को क्यों नहीं दे रहे हो? तो उस टाइम पे फिर आप कैसे क्या करोगे, क्योंकि लोग बोलेंगे ज़रूर अफजल भाई. नहीं नहीं, इन द सेंस मतलब क्या हिसाब से, वो मेरे बकरों का बकरा कौन सी पलाई पे, जैसे तुम्हारा बकरा दिए 1500 पे. हाँ, तो इसके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ ना कि 1500 रुपये में जो भी पीछे अपना जगह है, ये जो पीछे जो अपना, हाँ, चल रहा है, हाँ, नेपियर हो गई, सू बबुल हो गई, दशरथ हो गई, और भी एक दो ग्रास है, जितनी भी रहेगी वो पेट भर के अपन लोग 3-4 किस्म की जो भी घास रहेगी, पत्ते रहेंगे, वो उनको प्रोवाइड कर देंगे, है ना. फिर ड्राई फाउडर रहेगा, जो भी तुअर गंवार का हुआ, ये एक आ गया. फिर उसमें एक और चीज़ रहती है, वो मैं अपने अलग से लेकर आता हूँ, गन्ना होता है, गन्ना बड़ा गन्ना जिसमें पीछे पत्ते लगे हुए रहते हैं, उसको ग्राइंड करके वो भी जानवर बहुत शौक से खाते हैं. ओके, 1500 ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है एक गरीब का भी जानवर. हाँ, नहीं नहीं, हरी पत्ती की वजह से मैं ये घास कर रहा हूँ. हरी पत्ती कितनी महंगी चल रही है आपको मालूम है समीर भाई, आधा खाते हैं आधा फेंकने में जाता है, बहुत मारा मारी चल, और उसमें आधी मट्टी कचरा रहता है, और मार्केट में माल अवेलेबल नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से माल महंगा हुआ है. कोई मतलब अपनी तरफ से महंगा नहीं किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक होगा तो वो तो बिचारों को, उनको भी करना पड़ेगा. और लोगों को क्या लग रहा है कि यार हरी पत्ती महंगी होगी, लेकिन आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ, मैं थोड़ा सा इस पे देख रहा था कि मैं थोड़ा फ्रेम में आ जाऊँ, ठीक है. तो मैं ये बोल रहा था कि लोगों को क्या लग रहा है कि हरी पत्ती इतनी महंगी होगी, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि ट्रांसपोर्टेशन डीजल और पेट्रोल का रेट डे बाई डे बढ़ रहा है. नहीं नहीं, वो भी है, फिर अपना अल्लाह ने की दे पे
क्लीनर है, ड्राइवर है, फिर भाई सिर्फ हरी पत्ती नहीं, हरी पत्ती की गाड़ी खाली करने के लिए भी आप लोग को आदमी की जरूरत पड़ती है, लेबर लगते हैं, हमाल लगते हैं, जो बेचारे उतारते हैं उसका पैसा भी कैलकुलेशन होगा ना, कैलकुलेट होता है, सही है। तो ये सारी चीजें है, इस वजह से अफजल भाई ने यहाँ पे एक नया कुछ प्लान किया है। और ग्रीन जो ताजी पाउडर रहती है ना, उसकी मैं एक फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं, उसकी टक्कर नहीं ले सकती हरी पत्ती। हाँ वो तो सवाल ही नहीं है। अगर जो मैं फ्रेश काट के लोगों को खिलाऊंगा डेली, उसकी मतलब हरी पत्ती एक हिसाब से है ना समीर भाई, हब में भी आती है, उसके काफी फायदे भी हरी पत्ती के। अगर मैं एक मुट्ठी भी डालू ना उसको, एक मुट्ठी तो भी उसके लिए सफिशियंट है। ओके हाँ, उससे भी जानवर गेन होता है। सही। तो अभी ये जो हम लोग यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं जिस चीज़ की, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या आपने बोया है यहाँ पर, यहाँ पर है, क्या है मतलब? नहीं यहाँ पर है ना अपना समीर भाई नेपियर आती है, नेपियर और इसमें से बकरों को आपने देना शुरू किया है, चालू हो गया, ये बढ़ जाए तो। लेकिन अगर कोई जानवर भेजेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, 1500 के स्लॉट में भेजोगे आप मैं ले लूँगा, चाहे मेरे को एक आध महीना लगे आप आने के लिए उसका। अभी इंशाल्लाह ताला वो ग्राइंड की जो मशीन होती है वो भी आ जाएगी, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। तो ये जो ग्रीन फोडर का फ़ायदा यहाँ पे बहुत है ना, जो मतलब अभी एक आपका फार्म है और एक अगवान गोट फार्म है, जहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया कि खुद की खेती करके खुद का अनाज उगा के बकरों को खिलाया जाएगा। आपका कैसा है ना, दो पैसा अगर आप सस्ता करोगे ना तो भी आप है ना 1500 रुपये में पाल सकते हो, 2000 में पाल सकते हो, 2500 में पाल सकते हो, 2500 रुपये में आप 3,500 वाली पलाई दे सकते हो समीर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, समझ रहे मेरी बात, जब आपकी कॉस्ट कटिंग होगी ना तो आप दे सकते हो। जो 3,500 ले रहे उनका फार्म भी बड़ा है माशाल्लाह, लेबर है, फिर रेंट है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। और यहाँ पे अफजल भाई खुद अकेले हैं यहाँ पर इन्वॉल्व आदमी है, मैं मतलब एज अ ओनर, ओनर आप हो, मैं ही हूँ, यहाँ पे बकरों की देख रेख आपके बात कौन करता है, आप ही रहते हो? मैं तो यहीं रहता हूँ अभी, आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है आपका यहाँ पर, 5 दिन से ये यहाँ पर है रहने वाले, ये मदनपुरे के है साउथ मुंबई और रहे इधर पे रहे। ये एक्चुअली मेरे को बीच में फोन किए थे, बोले क्या भाई आदिवासी जिंदगी, बोला हाँ भाई मेरे को देखोगे तो वैसी लग गया यहाँ पे, नहीं नहीं अच्छा लगता है, लेकिन समीर भाई ये रियल लाइफ है, अच्छा लगता है, यहाँ सुकून है, आप सुबह उठोगे तो फॉग यहाँ तक रहता है, फॉग रहता है यहाँ पर। और ये देख लो थोड़ा हटके, यहाँ पर मैं शौक कर लेता हूँ रात को, खाना वाना जो भी रोज रोज का, हाँ हाँ लकड़ी रहती है, आदमी है, आदमी आता है खाना बनाने के लिए नहीं, जो साफ सफाई झाड़ू ये सब मारना हुआ, घास काटना हुआ, तो उनसे मैं लकड़ी भी मंगा लेता हूँ, तो वो लोग लकड़ी वगैरह ला के, मतलब पूरा एकदम नहीं क्या, ओनली फॉर अफजल शेगा। हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा, ये जो बात निकली, तो यहाँ पर मेरा फार्म जो है सिर्फ बकरों के काम के लिए है, समझ रहे आप, यहाँ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल। हाँ आप अपना जानवर आए देखे और आप मुतमईन हो गए, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं, नॉर्मल सिंपल है अपना सही, सही समीर भाई, तो इसमें मैं क्या मतलब, यहाँ पर काम होता है बस, काम ही बकरे आपके हैं, आपके बकरे खा रहे हैं, बकरों को संभालने वाले खा रहे हैं, यही काफ़ी है। ठीक है, तो 1500, 2500 और 2000 रुपये 1500 है, 1500 में ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर और एक टाइम आपका अनाज रहेगा, अनाज में सिर्फ गेहूँ रहेगा, गेहूँ रहेगा, बाकी उसका वो बाद में मैं एडजस्ट करूँगा, बाद में जैसा ठीक लगेगा वैसा मुनासिब लगेगा वो एक करेंगे, मेरे ऊपर है वो है। ऐसा नहीं है वो जैसा इंशाल्लाह ताला तुम्हारा जानवर खाए, लेकिन पेट भर के ऐसा नहीं कि मैं 200 ग्राम लिया डाला खत्म हो गया, वो सब नहीं, 2000 में आएंगे तो भी आपको जो घास रहेगी ग्रीन फोडर वो मिलेगा, ड्राई फोडर रहेगा, एंड सेकेंड थर्ड डाइट जो रहेगी उसमें उसमें अनाज बढ़ जाएंगे, अनाज उसमें बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे सब हो जाएगा, नहीं नहीं सब तो नहीं होएगा, क्यों मैं झूठ बोलूँ आपको, गेहूँ रहेगा, मक्का रहेगा, गेहूँ और मक्का, हाँ सही है, जौ वगैरह नहीं होगा, और जो 1500 में जो भी मेरे ख्याल से देना सही भी नहीं, क्योंकि ठंडा मौसम है, नहीं देवे कैसा है ना, जब अपन 100% देते हैं ना ये टाइम पे 30% चल जाएगा, क्योंकि उसमें फाइबर वाइबर जो मतलब जो डाइजेशन के ना जो अच्छी चीज़ है भाई, सही है। तो अभी जो 2500 वाली पलाई है उसमें आप गेहूँ, उसमें तो एकदम टॉप टू टॉप चलेगा है ना, एकदम टॉप टू टॉप, उसका टेंशन लेने का नहीं,
उसमें ग्रीन रहेगा, ड्राई रहेगा, अनाज रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10 किस्म के अनाज दे दूंगा, 25 किस्म के दूंगा, 50 किस्म के दूंगा, ये सब मैं फालतू की बात नहीं करूँ, समझ रहा है? सॉरी, मैं थोड़ा एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ एज अ जो मेरे भाई देख रहे हैं मेरे को। लेकिन दूंगा इंशाल्लाह ताला एकदम मजबूत दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आदमी है ना, मेरे को भी मेरे फार्म का नाम करने का है। मैं स्टार्ट हुआ हूँ जीरो से। ये आप लोग की मतलब, और भी मेरे भाई है यूट्यूबर है, उनका सपोर्ट मिला मेरे को, तो मैं यहाँ पर कुछ लेके नहीं आया था। मेरे को भी ये फील्ड में कैसे अपना नाम करना है, तो मैं काम वैसा दिखाऊंगा। ये बात भी हक है कि जिंदा जानवर जो है, चाहे इंसान हो, वो अल्लाह के जिम्मे करम है भाई। मैं ये तो यही बोलूँगा, ये नहीं कि मैं इतना आपको गेन करके दूंगा, ये करके दूंगा, वो सब मैं फालतू बात करूँगा नहीं। ये है तुम्हारे जानवर को भरपेट, और कोशिश करूँगा जो आप पैसा दे रहे उसका आपको वर्थ मिले, उस पैसे का मतलब जितना पैसा दिया उसका, हाँ वो मिले, मतलब हाँ भाई मैंने इतना पैसा दिया। देखो, जानवर बीमारी जब दिखाता है ना समीर भाई, वो बहुत फास्ट टूटता है। वो तो है हाँ, बेशक समझ ले मेरी बात। बहुत सी जानवर का दांत आता है तो भी जानवर खाना कम कर देता, थोड़ा सुस्त रहता है। सही, खुर में हल्का सी प्रॉब्लम हो गया तो खुर के तो ऐसा है कि समीर भाई 3-3 महीना चले जाते। मेरे पास है जानवर, पीछे है, 4 महीने से काम हो रहा है उसके ऊपर। कौन सा वाला बकरा है ये कोटा जो है ना, कोटा ब्राउन वाला, ये जो पीछे ब्राउन कोटा आपको दिख रहा है, इसके 4 महीने हो गए, उसके पीछे कंटिन्यू काम चल रहा है, पर उसके खुर मतलब सही होने में ही नहीं आ रहे। क्या प्रॉब्लम आया उसके खुर? डॉक्टर्स का कहना है कि समीर भाई की वो अब बहुत चांसेस कम है, लेकिन अपन यही है जो भी मतलब मेरा अभी तक सर ट्रीटमेंट चालू है। 1000 रुपया में कस्टमर से वैक्सीनेशन लेता हूँ मैं। ये तीनों स्लॉट जो है ना, 1500, 2000, 2500, इसमें भी 1000 रुपया रहेगा वैक्सीनेशन। ओके, आप 1500 से उठा के 2000 में लेके जाओ, 2000 के स्लॉट में से उठा के 2500 में लेके जाओ, लेकिन 1 time 1000 rupees में चार्ज लूंगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका जो स्लॉट है ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल फ्रीज नहीं होगा। हाँ, अगर आपको 1500 में रखना है 1500 में रखो, 1500 से डायरेक्ट 2500 में रख सकते हो, 2500 से डायरेक्ट 2000 पे भी आ सकते हो, कम ज्यादा आप कर सकते हो। अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप माइनस भाई इस बार भाई 1500। 90 जानवर जैसे आते छोटे जानवर समीर भाई, एक साथ 2500-3000 रुपया जो होता है ना बर्डन हो जाता है, क्योंकि वो आगे बीमारी दिखाएगा, हयाती है। हाँ, हाँ। हयाती है नहीं है उसकी। हाँ, क्या है। हाँ, 1500 का इसका है ना, 1500 में आपका जानवर तो पेट भर के खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसकी बेसिक है वो आपको मिल रहा है। 1500 से 2-3 महीना करो उसको, 1500 पे चलाएं, बकरे लाइन पे आ गया, बीमारी नहीं हुई, वैक्सीनेशन हो गई, अब वो खुल गया जानवर, सेट हो गया। आप 2000 पे ले जाओ, ईद नजदीक आई, 2500 में डाल दो, मतलब कस्टमर खुद अपने हिसाब से उसकी प्लाई सेट करे और इनको अपडेट करे। प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हो आप, उसमें कुछ नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इनकी प्लाई जो है एकदम फ्लेक्सिबल है, आप लोग कोई भी स्लॉट में आप अपने बकरे रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उस चीज पे बाद में मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी आएंगे तो, और अगर याद आ गया तो पूछ भी लूंगा मैं बीच में। और अभी अपने पास हाल फिलहाल कितने बकरे हैं अफजल भाई? है, कम है लेकिन अच्छे खासे हैं। इतने हैं और इतने लूंगा मैं। आप लोग, मैं आपके दोस्तों को, यूट्यूब फैमिली को मैं बोलना चाहता हूँ, जितनी मेरे पास जगह है भाई मैं उतने ही लूंगा, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं कर रहा हूँ। कभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाह आगे कुछ ऐसा बनता है तो अपन उसको प्लस कर देंगे। तो हाल फिलहाल मतलब आपके पास जगह अवेलेबल है बकरों के लिए? अच्छी खासी जगह है ना, तो अभी अवेलेबल है यहाँ पर, आप लोग दे सकते हो बकरे पलाई पर। बहुत अच्छा, मतलब आप पीछे देख सकते हो, हम लोग फिर भी एक छोटा सा शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, सब फूटे पे आपको वीडियो में दिखा देंगे। और सब बकरे जो देख रहे हो आप एकदम रिलैक्स मूड में हैं, खा के जुगाली कर रहे हैं, बैठ के। वो जो वाइट वाला है ना, वाइट वाला बैठा अभी खड़ा था, शायद देखेंगे उसका भी खुर का था। हाँ, लेकिन आज माशाल्लाह वो बकरा अच्छे खासे उसमें है। उसका भी वीडियो कस्टमर को देने का खेलता हुआ, उसके घुटने में पानी थे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हो गया। दवा वगैरह खुद करते हो कि डॉक्टर विजिट करते हैं? क्या डॉक्टर आते हैं और कभी कुछ ऐसा रहता है। देखो, हमारे को भी काम कर करके ना नॉलेज हो जाती है, जब आप डॉक्टर के साथ आगे पीछे रहते हो, क्या दे रहे क्या नहीं, वहाँ से डॉक्टर भी इंस्ट्रक्ट करते। दवा तो भाई देखो मैं ही करता हूँ। सही है, ऐसा नहीं कि उठा के मार दिया इंजेक्शन, नहीं, हमको एक्सपीरियंस है। लेकिन अंदर वेंस रहती है समीर भाई, पतली पतली है ना, नस होती है, उसमें जाता है। एक एक लोग है ना सीधा मारते हैं, बुरा मत मानना, वो तरीका ही नहीं हो, मारते भाई लेकिन अंदर वेंस है, नस है, नहीं है। हमने बोले एक्सपीरियंस है, यहाँ गूदा है, मार दो घप करके हो गया काम। लेकिन वो बकरा बाद में है ना, गर्दन टेढ़ी होना, पैरालाइज दिखाना,
ऐसे बहुत से है ना उसमें तकलीफ होती है, जब वो दवा जब वेंस में जाती है ना भाई तो तकलीफ देती है। अच्छा, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्शन देने के टाइम में जब हाँ उसको डाले ना तो बराबर उसका एयर निकलना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो उसको सक्शन ज़रूरी है पीछे है ना, उसके ट्रिगर जो होता है उसको सक्शन करना आपका काम है। सक्शन में कभी कभी ऐसा होता है समीर भाई, यहाँ गोश्त ज़्यादा है इन आप डाल दो और आप सक्शन करो ना, वहाँ ब्लड आता है, क्योंकि नस की एक जगह नहीं होती है, वो भी अलग अलग चलती है, काफ़ी नस होती है। सही है, समझ मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, सीख रहा हूँ, मतलब आज भी ये लर्निंग उस पर ही है, जैसा जो सीखने को मिल जाता है वो आप उसको ले लेते हो, सीख लेते हो। अच्छा ही रहती है, किसी को भी हो मैं देखते रहता हूँ उसको, अपन अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हम लोग वीडियो क्लोज करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। नहीं नहीं, मैं वीडियो पूरी हुई नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा, दो मिनट। 1500 रुपया हुए, 2000 की पलाई हुए, 2500 की पलाई हुए, उसमें वेट बच्चा दांत का कुछ नहीं है। हाँ, चाहे बच्चा भी दोगे तो भी उसमें एक्सेप्ट है, बड़ा 80 किलो का 50 किलो का बकरा दोगे तो भी उसमें एक्सेप्ट है। ओके, 1500 रुपये में आप 80 किलो का बकरा भी रखोगे? हाँ, उसको देना क्या है, जो मैं हरी मतलब जो हरी घास है, पत्ते है, ड्राई फॉडर है गेहूँ में, जब आपको लगे कि हाँ भाई अच्छा है तो 2000 में डालो, 2000 से और अच्छा कर रहे हैं 2500 रुपये में डालो। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, मतलब ये ज़रूरी था, क्योंकि बकरे आने गए ना 21 है ना 40 में बीमारी दिखाते समीर भाई। वो तो बेशक, हाँ हाँ रहते ही है, समझ रहे, जब जगह बदलते हैं तो बीमारी दिखाते हैं। और ये क्लाइमेट चल रहा है डेंजर, कोई एक मतलब मिडिल क्लास का वाला भी, मतलब एक बच्चा भी मतलब लेके पाल सकता है 1500 रुपये में, और 1500 रुपये में भी अगर जानवर रिजल्ट दिया तो हाँ माशाल्लाह, तो वो तो अलग ही बात हो जाएगी। रस्ते में अपन देखे हो ना आप, गवंडी मेरे, तो रस्ते में घूमते हुए जानवर कैसे रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे रहते। और अभी मैं बनने वाला जानवर बन जाता है समीर भाई, इसमें कोई हमारी कलाकारी नहीं है, वो खाएगा अपने मुँह से, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसको बना देगा। जितना खाएगा उसके लिए उतना फ़ायदा है। 1500 रुपये में मिनरल मिक्सचर हो गया, और जो टॉनिक रहती है नॉर्मल अपना Li-52, 1500 या 2000 हुए, इसमें नॉर्मल रहेगी, मैं कुछ पैसा नहीं लूँगा, सिर्फ 1000 रुपीज़ लूँगा वैक्सीनेशन चार्ज, उसमें खूर बाल वाल सब रहेगा समीर भाई। 2500 रुपये में तुम लोग के और बढ़ जाएंगे भाई, जो सप्लीमेंट्स होते हैं 1500 रुपये में, जिनको शौक है नहीं भाई 2500 में, तो इसमें मल्टी स्टार हो गया जो भी है वो मैं गिनती नहीं करता हूँ। ओके, बकरी का 1500 रुपया, बकरी का 1500 रुपया, अभी 2000-2500-3000 बकरी की पलाई, अगर आदमी 3 बकरी रख दे कितना हुआ? 1500 से 4500 रुपये, नहीं हाँ बराबर 4500 हुआ। उनके पास ब्रीडर है तो ब्रीडर दे दे मेरे को, नहीं तो फिर कोई कस्टमर इजाजत देता है, जैसे कोई भाई अफजल भाई बकरा गरम होगा तो आप इसको सेट कर देना, अगर बकरी होगी तो, अगर कस्टमर इजाजत देता है तो हम जोड़ लगाते, नहीं तो ऐसे जोड़ नहीं लगाते। कस्टमर क्या बकरे को भी बकरी से जोड़ लगाते हो क्या? अपना पर्सनल बकरा जोड़? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। जैसे कस्टमर है, कुछ बकरे कैसा होते हैं ना भाई, गर्म हो गए कस्टमर बोलते भाई जरा जोड़ लगा दो, तो अभी तुम्हारा बकरा है, अगर आपने इजाजत दे के रखो, बहुत से कस्टमर ऐसे होते कि भाई कभी ऐसा ही हीट गर्मी दिखाया ना, खाना आना बंद कर दिया, तो आप इसको रिलैक्स कर देना, मैं इजाज़त दे के रखा हूँ, क्योंकि जब बकरे को भूख रहेगी तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सही है, समझ रहे हो? तो वो करके हम दे सकते हैं, लेकिन उस पर भी 50-50 है, कस्टमर इजाजत दिया तो, नहीं तो अपना ब्रीडर दो। 3 बकरी में आपको साल में कितने बच्चे मिल जाएंगे? अच्छे खासे मिल जाएंगे, अच्छे खासे मिलेंगे ना। पलाई क्या ले रहा हूँ मैं? 1500 रुपया, और उसमें डिलीवरी वगैरह ये सारी चीज़ें सब सब, वैक्सीनेशन चार्ज रहेगा 1000 रुपीज़। बच्चा जब तक का दूध पी रहा है पैसा नहीं है भाई, बच्चा जब बड़ा होगा जो भी है उसका चार्ज लगाएंगे, चार्ज लगा ले। सही है, ये भी एक अच्छी स्कीम है। बकरियाँ भी आप 1500 में रख सकते हो यहाँ पर, उसमें बकरी अगर गाभन है, डिलीवरी है, कुछ है, वो सारी चीज़ें ये देखेंगे, बच्चों का भी पलाई फ्री होने वाली है जब तक बच्चे दूध पर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट देने वाली चीज़ है, लोगों का बहुत फ़ायदा है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। अभी फार्म अपना थोड़ा सिंपल है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट करेंगे धीरे धीरे, होगा गोट कुछ वो नहीं, इतनी पिकनिक पॉइंट नहीं, जानवरों के लिए जो होगा वो हाँ बेसिक। सही है, नंबर अफजल भाई का हमेशा की तरह स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूँगा, और जो कोई भी इंटरेस्टेड हो पलाई नंबर में, भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बोलो 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 हाँ। और चैनल की मेरी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, मेरा खुद का चैनल है,
कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला अपडेट उस पे कर अपलोड करके चैनल को भी आप लोग फॉलो करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जो भी है सपोर्ट कर देना। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग कभी यहां नहीं पहुंच पाते तो अफजल नहीं, एक्चुअली आजकल ये भाई बहुत बिजी चल रहे हैं आप लोग, और भी मेरे दो भाई है बिजी चल रहे हैं। नहीं देखो कैसा है ना, वो आपका काम है, आपकी फील्ड है, आप करो, जब यहां पर टाइम मिले आप आ जाया करो बेशक। तो ऐसा ही आज भी हुआ कि मेरा भिवंडी आना था तो मैं यहां आ गया, ठीक है। तो जैसा भी है चैनल, इनका भी आप लोग फॉलो करो ताकि इनके पास ये लोग क्या डेली बेसिस पे अपडेट क्या कर रहे हैं वो आपको पता चलता रहे, बाकी हमारे चैनल से तो आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। तो अफजल भाई ये वीडियो क्लोज करते हैं, है ना, और गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। 20 सही।